मीना कुमारी अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। कहते हैं कि स्क्रीन पर जो गम की तस्वीर वो बना देती थी वो किसी और के बस की बात नहीं थी। फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी को अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, लेकिन उम्र भर मुश्किलों ने मीना कुमारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं मीना कुमारी से जुड़े कुछ रोचक किस्से। मीना कुमारी के माँ बाप अली बख्श और इकबाल बानो की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। दोनों थिएटर आर्टिस्ट थे। जब अली बख्श के घर तीसरा बच्चा भी लड़की पैदा हुई तो वो बहुत निराश हुए और सोचा कि इस गरीबी में वो गुजारा कैसे करेंगे। इसलिए वो अपनी दो दिन की बच्ची को दादर के यतीम खाने की सीढ़ी पर छोड़ आए। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जब नन्ही बच्ची की रोने की आवाज उनके कान पर पड़ी तो पिता का दिल पसीज गया। जब वापस सीढ़ियों पर आए तो उस बच्ची के शरीर पर छोटी छोटी लाल चींटियां लग गई थी। उन्होंने प्यार से उसे साफ किया और घर ले आए। कहा जाता है कि मीना कुमारी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। दरअसल मीना कुमारी के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उनकी माँ इकबाल बानो बच्चों के रोल के लिए 7 साल की मीना कुमारी को प्रोड्यूसर विजय भट्ट के पास ले गई। मीना कुमारी का क्यूट फेस उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने फिल्म लेदर फेस में उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साइन कर लिया। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। मीना को ये नाम प्रोड्यूसर विजय भट्ट साहब ने दिया था। मीना कुमारी का परिवार दादर की चौल में रहता था। पास में ही रूपतारा स्टूडियो था जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी। अक्सर मीना कुमारी उसके कंपाउंड में खेला करती थी। एक बार पिता अली बख्श ने मीना कुमारी को उस वक्त के सुपरस्टार अशोक कुमार से मिलवाया। अशोक साहब ने मीना कुमारी को कहा कि अभी आप बहुत छोटे हो, जल्दी बड़े हो जाओ तो फिर हमारे साथ काम करना, हमारी हीरोइन बनकर। अभी महज एक इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन अशोक कुमार की बात सच हुई और फिल्म तमाशा में मीना को अशोक कुमार के ऑपोजिट कास्ट किया गया। मीना कुमारी ने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में अशोक कुमार के साथ की थी। दोनों ने साथ में परिणीता, बंदिश, शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, बहु बेगम, जवाब और पाकीजा जैसी हिट फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी का नाम उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली कुछ एक्ट्रेस में आता है। उस समय में वो एक फिल्म के लिए 10,000 रुपए की मोटी फीस लेती थी। इतना ही नहीं, बड़ी स्टार बनने के बाद उनकी फीस और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इतनी मोटी फीस होने के बाद भी प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। एक बार की बात है, मीना कुमारी अपनी बहन के साथ महाबलेश्वर से लौट रही थी। रास्ते में उनकी कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में उनका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसकी वजह से उनकी 2 उंगलियां काटनी पड़ी। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अपने पूरे करियर में उन्होंने ऑडियंस को ये पता नहीं लगने दिया कि उनकी 2 उंगलियां नहीं है। मीना कुमारी और राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही की दुखद प्रेम कहानी जग जाहिर है। मीना कुमारी कमाल अमरोही से काफी इंस्पायर्ड थी। जब मीना का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों बहुत करीब आ गए। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल थे कि एक दूसरे को खत लिखा करते थे और पूरी पूरी रात फोन पर बातें किया करते थे। महज 19 साल की उम्र में मीना कुमारी ने घर वालों से छुपकर अपने से 15 साल बड़े कमाल अमरोही से 14 फरवरी 1952 को शादी कर ली थी। वो बिना बताए ही कमाल अमरोही के घर पहुंच गई थी और फिर वही रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच खटास आने लगी। दोनों में ईगो क्लैश होने लगा। कमाल अमरोही मीना कुमारी के लिए बहुत पोजेसिव थे। उन्होंने मीना कुमारी पर कई बंदिशें लगा रखी थी, जैसे मीना कुमारी के मेकअप रूम में किसी भी पुरुष का आना मना था। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके लिए एक असिस्टेंट भी रखा हुआ था जो मीना कुमारी के बारे में हर खबर उन तक पहुंचाता था। 1958 में जब कमाल अमरोही ने पाकीजा फिल्म बनाने की सोची तब दोनों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। फिल्म की प्लानिंग शुरू हो गई थी। 1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही अलग हो गए। कमाल अमरोही और मीना कुमारी का रिश्ता करीब 10 साल तक चला। पाकीजा बीच में ही रह गई। बताया जाता है कि 1969 में फिर सुनील दत्त और नरगिस ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को फिल्म पूरा करने के लिए मनाया। आखिरकार फिल्म 1972 में रिलीज हुई। हालांकि रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की अचानक मौत के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई। कमाल अमरोही से तलाक के बाद मीना कुमारी के जीवन में कई पुरुष आए। बताया जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र का रिश्ता बड़ा गहरा था। कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी बहुत अकेली पड़ गई थी। उस वक्त धर्मेंद्र अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मीना कुमारी के सितारे बुलंदियों पर थे।
कई हिट फिल्में देने वाली मीना कुमारी उस वक्त बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। धीरे धीरे मीना कुमारी और धर्मेंद्र करीब आने लगे, दोनों की नजदीकियों के चर्चे होने लगे। कहते हैं मीना कुमारी धर्मेंद्र के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्हें उनके अलावा कुछ नहीं सोचता था। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी पर अपना जादू चला दिया था। इतना ही नहीं, मीना कुमारी के शोहरत के बल पर धर्मेंद्र के करियर की डूबती नैया को किनारा मिल गया था। उन्होंने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर धीरे धीरे धर्मेंद्र के करियर ने नई रफ्तार पकड़ी। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग करना भी सिखाया, लेकिन फिल्म फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। मीना कुमारी अंदर ही अंदर टूट गई थी और धर्मेंद्र की इस बेवफाई को वे झेल नहीं पाई। कहा जाता है धर्मेंद्र से दूर होने के बाद मीना कुमारी ने खुद को शराब में डुबो लिया था। फिल्म पाकीज़ा में पहले राजकुमार की जगह धर्मेंद्र को लिया गया था, लेकिन धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों की खबरों की वजह से कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को फिल्म का हिस्सा बनने नहीं दिया। आखिरी समय में मीना कुमारी भावनात्मक रूप से गीतकार और निर्देशक गुलजार के काफी करीब रही। हालांकि मीना कुमारी और गुलजार के बीच कैसा रुमानी रिश्ता था ये साफ नहीं है, लेकिन मीना कुमारी के जीवन में गुलजार की जगह कितनी अहम थी इस बात से पता लगाया जा सकता है कि मीना कुमारी ने अपनी निजी डायरी और अपनी कविताएं गुलजार को सौंप दी थी, लेकिन उनकी निजी डायरी आज भी अप्रकाशित है। मीना कुमारी को 7 साल की उम्र से ही अपने परिवार को चलाने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा था। अपनी पहली फिल्म लेदर फेस के लिए उन्हें 25 रुपए मेहनताना मिला था, लेकिन गुर्बत के उन दिनों में ही उन्हें बासी रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। बासी रोटी से बचपन में जुड़ा उनका नाता आजीवन नहीं टूटा। बड़ी फिल्म स्टार बनने के बाद भी वो बासी रोटी खाना ही पसंद करती थी, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही को उनकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी।